छवि तुलवा गया अभी तक आप देख सकते हैं कि जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं वो अपना सामान और ईवीएम लेने के लिए जो हमारा सेंटर है डिस्पैच सेंटर उमाकांता एकेडमी उसमें आ गए हैं और पुलिस पर्सनल भी जो हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं और ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 4 या 5 घंटे में ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम्प्लीट हो जाएगा और आज शाम 3 से 4 बजे के बीच में सारी पोलिंग पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस पे पहुंच जाएंगी। मैं सभी पोलिंग पार्टीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में वो अपनी इस व्यवस्था में हमारा साथ दे रहे हैं। अमूमन लगभग 15,000 से ज़्यादा पोलिंग पर्सनल, सिविल पर्सनल और पुलिस पर्सनल इस पूरे इलेक्शन में आज और कल अपना मेहनत करेंगे, अपना योगदान देंगे।
कितनी मतलब विधानसभा की फर्स्ट से कवर अप करेंगे? उमाकांता अकेडमी से जो डिस्पैच होगा वो 8 असेंबली सेगमेंट्स का होगा और जो रिसिप्ट होगा वो 14 का होगा। इसी के साथ साथ और बाकी 6 जगह जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हैं, जैसे सिपाही जिला में 3 लोकेशन है, उदयपुर में 1 लोकेशन है और साउथ त्रिपुरा में 2 लोकेशन है, इन सभी जगहों पे डिस्पैच और रिसिप्ट सेंटर बनाए गए हैं। टोटल 1682 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें हमारे पोलिंग पार्टीज मूव करेंगे। इसमें हर पोलिंग स्टेशन पे लगभग 4 पुलिस पर्सनल और लगभग 7 सिविल पर्सनल इन सभी लोकेशंस पे होंगे। इसके साथ साथ लगभग 35 कंपनीज हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में, अमूमन 2,500 से 3,000 जो कंपनीज है CAPF की, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए फील्ड में रहेंगी। और लगभग 300 से 400 लोग FST और SST के माध्यम से निगरानी करेंगे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। सर, पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसा रहेगा? पोलिंग स्टेशन, जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, सभी पे सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स जो है BSF और CRPF की टुकड़ियां रहेंगी। इसके साथ साथ उनको सपोर्ट करने के लिए TSR के जवान एज अ स्ट्राइक फोर्स अथवा कहीं पोलिंग स्टेशन एरियाज में रहेंगे। और जो स्टेट पुलिस के लगभग 2,500 से 3,000 लोग हैं वो भी आउटर पेरिफ्री में रहेंगे, लेकिन सभी पोलिंग स्टेशन पे सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स ही रहेगी। सर, मतदान कितने बजे स्टार्ट होगा और आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? मतदान सुबह 7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक होगा और मैं सभी मतदाताओं को निवेदन करता हूँ कि देश के निर्माण के लिए